ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 20 अगस्त 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:26 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने 11,600 के लेवल को फिर से अचीव किया, हालांकि सस्टेन नहीं हो पाया उसके ऊपर, और एक प्रॉफिट बुकिंग कल हमें देखने को मिली। तो आज के निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 27 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,562। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। जैसे ही आप देख रहे हैं सेकेंड टारगेट के ऊपर निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, और 12 बजे तक 12:30 बजे तक लगातार ये जो सेकेंड टारगेट का लेवल है इसी के पास इसने ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, इसके ऊपर ये सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक होने की कोशिश की, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट 11,576 और 11,586 ये दोनों अचीव हुए। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस कल फेस किया, और नीचे आते वक्त फिर से ब्रेकआउट लेवल एग्जैक्ट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर काम कर रहा था, और क्लोज भी इसी लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ। तो कल के लेवल्स भी फिर से एक बार काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते अराउंड 8,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं सबसे पहले। कल अमेरिकी बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, कमजोरी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी कल लाल निशान में बंद हुए। हालांकि एक न्यूज़ आई थी, जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी आशंका जताई है। तो इन्फ्लेशन की नई स्ट्रैटेजी वो लोग ला रहे हैं, एवरेज इन्फ्लेशन टारगेट, जो इंडिया में भी इन्फ्लेशन का रेट है वो तरह तरह के कमोडिटीज और कई सारे चीज़ों का एवरेज निकाल के इन्फ्लेशन पब्लिक के सामने लाया जाता है, एक इन्फ्लेशन रेट पब्लिक के सामने लाया जाता है। तो इसी तरह से कुछ एवरेज इन्फ्लेशन टारगेट की पॉलिसी फेडरल रिजर्व ला रहा है। तो इसके मद्देनज़र थोड़ी सी यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली कल। हालांकि आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो लगभग सभी इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, जापानीज इंडेक्स भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 218 पॉइंट की इस समय बढ़त यह दिखा रहा है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ किया था, इसका 100% का लेवल यहाँ पर अचीव हुआ था। तो 4 हफ्ते लगभग इस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, एक कंसोलिडेशन फेज था, इसका अभी ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया। तो ऊपर नेक्स्ट टारगेट 11,745 ये हो सकता है एज पर वीकली चार्ट। अभी ये वीक खत्म नहीं हुआ है, ला एक दिन बाकी है आज का। तो ऊपर 11,745 ये यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है एज पर वीकली चार्ट। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले अगर डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में 11,600 जहाँ पर ये हमने डेली चार्ट में लास्ट स्विंग हाई लो जो आ रहा था उसको पकड़ के जो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को हमने ड्रॉ किया था उसका एग्जैक्ट कल 11,600 के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। जो हम RSI में W पैटर्न की बात कर रहे थे उसका नेक लाइन का ये जो ब्रेकआउट मिल गया, नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर प्राइस एक्शन में भी हमें तेजी देखने को मिली। तो 11,600 अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है आर्ली चार्ट में तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है।
11,600 के पास अगर आप पास्ट में देखें तो यहाँ पर इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया था 11,600 के पास। तो पास्ट में जो सपोर्ट का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस ये जो अभी हर्डल बन चुका है 11,600, इसके ऊपर सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये निफ्टी इंडेक्स हमें यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ कंटिन्यू मूव अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो ये वीकली और डेली चार्ट का सीनारियो है। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल हमने देखा सुबह 12:30 बजे तक एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था जो हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल था। तो यानी ये जो लेवल 11,584 के पास ये कंटिन्यू सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, तो हो सकता है वो आज रेजिस्टेंस का काम करे। तो 11,586 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। पिवट पॉइंट का R1 का लेवल 11,604, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,617, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। निफ्टी इंडेक्स अगर फिर से गैप अप ओपन होता है, यहाँ से ओपन ऊपर की तरफ होता है और फर्स्ट या सेकेंड टारगेट के बीच में कहीं ओपन होता है, तो वेट करें ये सेकेंड टारगेट के ऊपर इसको सस्टेन करने दे, फिर ही यहाँ पर इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजिशन आप बना सकते हैं। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आता है तो कल का जो लो है यानी 11,540, इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि 20 EMA का लाइन है। एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा 11,527, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,512, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।